बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर लेक्चर नंबर 20 ऑफ इंग्लिश फॉर 10th क्लास। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अगेन द एक्सरसाइज, द रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ द लेसन फर्स्ट एट, दैट इज़ द फोर्थ लेसन ऑफ आवर बुक। नाउ वी हैव एडवर्ब फ्रेज। व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज? एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। मीन्स an unmeaningful group of words having no sense but working as an adverb is called adverb phrase. He works carefully. They rested at sunset. In example, A, carefully is an adverb. In example, B, at sunset is an adverb phrase. Which does the work of an adverb? मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन काम ये सिर्फ एडवर्ब का ही करेगा। नाउ वी हैव फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव बीन गिवन एडवर्ब फ्रेजेस एंड वी आर टू रिप्लेस एडवर्ब फ्रेजेस विद एन एडवर्ब। फर्स्ट वी हैव Our teacher wanted that work to be done without delay. Our teacher wanted that work to be done immediately. Means फौरन कर दिया जाए। She is without doubt the most caring person I have met. She is undoubtedly. Means she is undoubtedly the most caring person. We have used undoubtedly as the without doubt was a phrase and we have used only adverb. The plant flowers once every year means saal mein ek dafa. So what can be the suitable adverb for this? Annually. This plant flowers annually. Now we have you should complete the work in a while. Again we can say immediately. फौरन कर देना चाहिए। द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट इज एन एडवर्ब फ्रेज एंड एक्सीडेंटली दिस इज एडवर्ब। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव जीरंड एंड इन्फिनिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू सी व्हाट इज जीरंड। द यूज ऑफ आई एन जी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वर्किंग एज अ नाउन इज कॉल्ड जीरंड। मीन्स आई एन जी हम लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन वो वर्ब का काम नहीं कर रहा होता, काम वो नाउन का करता है और ये क्या कहलाता है? जीरंड। एंड वट इज़ इन्फिनिटिव? द यूज़ ऑफ टू बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनिटिव। स्टूडेंट्स, दीज बोथ फंक्शन द सेम। मीन्स इन उर्दू, इफ़ इन उर्दू वी से इट इज़ गिविंग द मीनिंग ऑफ ना, नून अलिफ ना। मैं रीडिंग पसंद करता हूँ, पढ़ना पसंद करता हूँ, तो हम कह सकते हैं आई लाइक रीडिंग, आई लाइक टू रीड। मीन्स ये मीनिंग सेम ही देते हैं। देन वी हैव दीज वर्ब्स कैन टेक जीरंड्स आफ्टर देम। स्टूडेंट्स, वी हैव बीन गिवन सम वर्ड्स दैट कैन टेक जीरंड एंड सम वर्ब्स कैन टेक इन्फिनिटिव। फर्स्ट इन्जॉय, सलमान इन्जॉयज प्लेइंग टेनिस। मीन्स आफ्टर इन्जॉय वी यूज जीरंड। देन वी हैव फिनिश, क्विट, पुट ऑफ, पोस्टपोन। स्टूडेंट्स, दीज आर द वर्ब्स विच यूज जीरंड आफ्टर देम। देन होप, एक्सपेक्ट, प्लान, इंटेंड, मीन, दे ऑल आर द वर्ब्स दैट यूज इन्फिनिटिव। means two plus first form of verb. Then we have complete the following sentences with infinitive of gerund which ever is appropriate. Students, you are to fill the exercise according to the appropriate gerund or infinitive. First we have we felt the plane shaking in the storm. Then we have I have always disliked smoking.
Where did you learn to speak French? Means students, which is appropriate you will use, which one is appropriate that would be used as gerund or infinitive. Now we have identified gerund and infinitive in the following sentence. स्टूडेंट्स सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपने बताना है कि कहाँ पे जीरंड यूज़ हुआ है और कहाँ पे इन्फिनिटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन. नाउ ब्लीडिंग इज जीरंड. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ. नाउ It is very clear in the start we have infinitive to clean. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped. Now don't keep checking. Students, here we have gerund as well as infinitive. Don't keep checking. Checking is working as gerund to see as infinitive. Students, we have done three sentences. Three sentences are left. You would do it yourself. Now we have changed the following sentences into passive voice. Subject in the passive sentences may be skipped. Students, as we know that in passive sentence, object is the most important thing. Means object is necessary. It is not necessary that subject is mentioned there. Means subject ko to hum skip kar sakte hain, lekin passive sentences mein object ko skip nahi kiya ja sakta. You must put out all smoking materials. Now all smoking materials must be put out. If we think it necessary, we can use by you, but if we don't use, it is okay. You must fasten the seat belt. The seat belt must be fastened. They will demonstrate safety precautions. Safety precautions will be demonstrated. So students, rest of the two sentences will be done by you. You can use subject as you want. If not, it is not necessary to use it. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.